आज की वीडियो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 49 की पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है? अगर आप इसे प्रसार करके जब एक घटाएंगे तो आपको इस तरह से बहुत समय लगेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आपको इसमें यही बात ध्यान में रखना, अगर ये पावर क्या विषम हो, पावर क्या विषम, ठीक है? आप यहां से लिखिए, अगर पावर क्या विषम तो क्या करना, आपको पावर आपको क्या करना, एक बना लेना, ठीक है? पावर को क्या करना, आपको एक बना लेना। तो यहाँ पर देखिए पावर क्या विषम है, अगर ये विषम है तो मैंने क्या कर दिया, आपको पावर एक बना लेना। तो 49 की पावर कितना हो गई, एक हो गई। आप यहां से लिख ले 49 की पावर कितना हो गई, एक। अब माइनस कितना, 1। अगर आप 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 48 मिल जाए, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ये चेक करना कि किस ऑप्शन से ये 48 कटेगा, किस ऑप्शन से ये 48 कटेगा, क्या 7 से 48 कटेगा क्या नहीं कटेगा, आपका ये ऑप्शन होगा। अगर सेकंड वाला ऑप्शन लेके चेक करें तो ये देखिए 6 से कटिए कि नहीं कट, 6 और 48 जो 48 से 6 कट जाएगा। अगर ये इससे कट जाए, आप ये कह सकते हैं जब आप इससे प्रसार करके पूरे को प्रसार करके एक घटाएंगे तो जो भी संख्या मिलेगी, ठीक है, जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, ठीक है? तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है? एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ इसमें आपको क्या बताया, ठीक है? इसमें मैंने आपको यही बताया कि अगर ये पावर क्या विषम हो तो क्या करना, आपको पावर क्या करना, आपको एक ले लेना है। तो 49 की पावर कितना हो गई, एक हो गई। अगर आप 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 48 मिले। अब इसके बाद आपको ये चेक करना कि 48 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है? किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, पहला ऑप्शन होगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, लेकिन 6 से ये कटेगा। अगर ये 6 से कटेगा तो आप ये कह सकते हैं जब आप इससे प्रसार करके एक घटाएंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वह संख्या किससे हर हाल में कट जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 7 की पावर 19 से 1 किससे विभाज्य, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है? जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, 7 की पावर 19 - 1 भी कर सकते हैं, ठीक है? ऊपर वाले की तरह मैंने क्या बताया, अगर ये पावर विषम रहे तो क्या करना, आपको पावर को एक ले लेना है। तो 7 की पावर कितना हो गया, 1। अब माइनस कितने यहां से, 1। अब करना है कि अगर 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन से 6 डिवाइड हो रहा है, किस ऑप्शन से 6 डिवाइड हो रहा है। तो 7 से तो होगा नहीं, लेकिन 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी किससे डिवाइड हो जाएगा, बी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं जब आप इससे प्रसार करेंगे फिर उसमें से एक घटाएंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या किससे हर हाल में कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, ठीक है? ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है? बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 की पावर 71 + 2 की पावर 72 + 2 की पावर 73 + 2 की पावर 74 किससे विभाजित है, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है? अगर आप इन सभी को प्रसार करके जब आपस में जोड़ेंगे तो कोई संख्या आपको मिलेगी, ठीक है? कोई संख्या आपको मिलेगी। तो प्रश्न यही पूछे वह संख्या किससे विभाजित होगी, इसमें आपसे यही पूछेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका होता है, अगर आप प्रसार करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है? इसके लिए टेक्निक बता रहा हूं इसमें करना है, इसमें क्या करना, सबसे पहले ये चेक करें क्या इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ 2 की पावर 71 सभी में से कॉमन दिख रहा है, करना क्या 2 की पावर 71 क्या करें, सभी में से कॉमन ले लिया। अगर कॉमन ले तो यहाँ से कितना बच गया आपका, 1 बच गया। इस पूरे कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ से कितना बच गया, 2 की पावर कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है? यहाँ से कितना बच गया, 2 की पावर 2। आगे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है? अब करना है कि इन सभी को जोड़ लीजिए, अगर आप इससे प्रसार करें कितना, 8 मिल जाएगा, अगर आप इससे प्रसार करें कितना, 4 मिलेगा। अब करने के सभी को जोड़ लीजिए, अगर आप इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 11 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 11 आपको मिले, सॉरी कितना मिलेगा यहाँ से, अगर आप सभी को जोड़ेंगे 8 2 10 हो गया, 10 5 कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 71 और गुणे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या ऑप्शन से चेक करना है 15 किससे डिवाइड हो रहा है, आपको ऑप्शन से चेक करना है कि 15 किससे डिवाइड हो, मैं देख रहा हूँ किसी से डिवाइड नहीं हुआ। तो करना क्या आपको, क्या करना, एक स्टेप और करना मैं आपको बता रहा हूँ। जो 2 की पावर 71 लिखा है आप इसको इस तरह लिख सकते क्या, 2 की पावर 70 और गुणे 2, इस तरह से कर सकते, कोई फर्क नहीं है, इस तरह से कर सकते नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इसको कर ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 1 2 मिले कि नहीं मिले,
यहाँ पे जो दो मिलेगा इसके साथ हम लोग गुणा कर दे, 15 दुने कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ पे जो दो मिलेगा हम लोग क्या करें इसके साथ डायरेक्ट गुणा कर दे, कितना हो गया यहाँ से 30 हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते। अब आपको ये चेक करना है किस ऑप्शन से 30 डिवाइड हो रहा है, तो मैं देखो 9 से होगा नहीं लेकिन 10 से क्या हो जाएगा 30 कट जाएगा, 10 से लेकिन ये 30 क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि जब आप इन सभी को प्रसार करके आपस में जोड़ेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया गया और पूछा गया को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो सेम ऊपर वाले की तरह लगेगा। सबसे पहले ये चेक करें इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ सभी में 3 की पावर 27 कॉमन दिख रहा है, तो करना क्या 3 की पावर 27 क्या करिए आप कॉमन लिए, 3 की पावर क्या करना को 27 कॉमन ले लिए, तो अंदर कितना बच गया यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से कितना बच गया आपका 3 बच गया और यहाँ से 3 की पावर कितना हो गया 2 हो गया और 3 की पावर कितना यहाँ से 3 हो गया। अब करना क्या सभी को प्रसार करके जोड़ लीजिए, अगर आप इससे प्रसार करें कितना मिल जाएगा 27 मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। करना की इन सभी को जोड़ लीजिए, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये देखिए 30 यानी कितना हो गया 30 हो गया और 30 10 कितना हो गया 40 हो गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 की पावर 27 और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ से 40 हो गया। अब आपको ऑप्शन से चेक करना है कि 40 किस ऑप्शन से कट रहा है, मैं देख रहा हूँ किसी ऑप्शन से नहीं कट रहा है। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास नॉन ऑफ डिजिट का भी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें एक स्टेप और बढ़ाते हैं। ठीक है, एक स्टेप हम लोग और करते हैं, तो करना की आपको क्या करना है 3 की पावर कितना 3 की पावर 27 लिखी गई, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 26 गुणे 3 कर सकते, कोई फर्क नहीं कि यहाँ पे लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 की पावर 26 हो गया, जो यहाँ पे 1 3 मिलेगा हम लोग इसके साथ क्या कर दे गुणा कर देते, 4 3 कितना हो गया 12 कितना मिल जाएगा 120 मिल जाएगा। अब आपको ऑप्शन से चेक करना है कि 120 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, 31 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए 30 से कट जाएगा, क्यों 30 से कटेगा नहीं कटेगा, अर्थात बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जब इन सभी संख्याओं को आपस में प्रसार करके जोड़ेंगे तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 30 से हर हाल में डिवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब 2 की पावर 100 को 101 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है, अगर जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना a^2 कितना p-1, अगर आपको भाग देना किस से p से देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा a^2 कितना p-1 है लेकिन नीचे कितना आपका p है, अगर इस कंडीशन में आपको भाग देना तो इस कंडीशन में हमेशा कितना शेष बचेगा आपका 1 हमेशा शेष बचेगा, कितना हमेशा शेष बचेगा 1 हमेशा आपका शेष बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिससे अगर भाग देना है, जिससे भाग देना यहाँ पे जो पावर होनी चाहिए इससे क्या एक अंक कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस बात को ये फॉलो करें क्या, जिससे भाग देना आपको क्या इससे एक अंक कम है क्या, यानी इससे एक कम है कि नहीं, अगर यहाँ से कंपेयर किया तो यहाँ से आप बता सकते हैं यहाँ पे पी है, यहाँ पी में से क्या कर दिए 1 घटा दिए गए, अगर हम इसको पी मान लेते यहाँ पे देखिए p-1 है कि नहीं, अगर आप इसे इसमें भाग दें इस कंडीशन में हमेशा कितना शेष बचा आपका 1 हमेशा आपका शेष बचेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी अगर संख्या की पावर कितना p-1 है और भाग देना कितना p से भाग देना है, जिससे भाग देना है अगर उससे एक अंक कम हो, जो उसकी पावर है उससे एक अंक कम हो, तो उस कंडीशन में हमेशा कितना शेष बचा आपका 1 हमेशा आपका शेष बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जब 3 की पावर 102 + 3 को 103 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ठीक है, लेकिन वो देखिए थोड़ा सा अलग है, ऊपर वाले में क्या प्लस का साइन नहीं था, यहाँ पे कोई प्लस का साइन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो करना क्या आपको, सबसे पहला क्या करना आपको, इसको इसमें आप डायरेक्ट भाग लें, इससे क्या करना आपको डायरेक्ट इसमें आप भाग, इसको अब ये भूल जाइए आप एक पल के लिए, आप क्या करें इसको भूल दें, इससे क्या करिए आप इसमें भाग देंगे तो कितना शेष बचा आपका 1 शेष बचेगा। ठीक है, जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से कितना शेष बचा आपका 1 आपका शेष बचेगा, तो आप यहाँ से 1 लिख लीजिए और यहाँ से प्लस कितना है 3 है, आप यहाँ से क्या करिए प्लस 3 लिख। अब करना है कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 4 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 4 आपको मिल जाएगा, ये आपका क्या गया आंसर है। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं जब इससे प्रसार करके उसमें 3 जोड़ेंगे और 103 से विभाजित करेंगे कितना शेष बचेगा 4 आपका शेष बचेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे विभाज्य, इस क्वेश्चन ये पूछे गए और चार ऑप्शन आपको दे दिए गए। वैसे आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ देखकर भी इसका आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या टेक्निक है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चेक करिए, अगर पावर विषम रहेगी, अगर पावर क्या रहेगी विषम रहेगी, तो करना क्या आपको पावर को क्या करना, आपको एक बना लेना है, ठीक है। अगर पावर विषम रहेगी तो आपको क्या करना, पावर को एक ले लेना है। आप यहां से लिख लिए, अगर पावर क्या रहेगी विषम रहेगी तो उससे क्या करना, आपको एक आपको बना लेना है। तो करना क्या, अगर आप क्या करें 19 की पावर एक लिखें तो कितना मिले आपको, एक मिले। यहां से करना, सॉरी 19 की पावर अगर एक लिखेंगे तो कितना मिले आपको, 19 से मिलेगी। जैसे आप यहां से लिखेंगे 19 की पावर एक, जब इसे प्रसार करेंगे कितना मिले आपको, 19 से मिलेगा। यहां से क्या करेंगे आप, जब 21 की पावर एक लिखेंगे क्या करिए, पावर आपको एक बनाना है, ठीक है। 21 की पावर अगर आप एक लिखेंगे तो कितना मिले आपको, 21 मिलेगा। अब करना है कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने मिल जाए आपको, 40 मिल जाए। कितना मिल जाए आपको, 40 आपको मिल जाए। अब आपको ये चेक करना है कि 40 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, 40 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, केवल 10 से, केवल 20 से, फिर क्या दिया गया यहाँ पे आपका सी ऑप्शन रहेगा, क्या दिया गया 10 और 20 दोनों से। 40 देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, केवल 10 से हो रहा है क्या, नहीं 20 से भी होगा, नहीं ये ऑप्शन होंगे नहीं और ये ऑप्शन नहीं। किससे डिवाइड हो रहा है, 10 और 20 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो 40 है 10 और 20 दोनों से डिवाइड, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका, इसमें कोई, इसमें करना है कि एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी पावर देगी अगर पावर विषम रहे तो इसे क्या करना, आपको पावर को एक में आपको ले लेना है, पावर क्या करना आपको एक बना लेना है। अगर आप 19 की पावर एक करेंगे तो कितने मिले आपको, 19 से मिलेगा, और 21 की पावर एक करेंगे तो कितने मिले आपको, 21 मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, अब आपको ये चेक करना है कि ऑप्शन से, किस ऑप्शन से 40 डिवाइड हो रहा है। जिस ऑप्शन से 40 डिवाइड होगा आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं को जो प्रसार करके आपस में जोड़ेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 10 और 20 दोनों से डिवाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 17 की पावर 133 प्लस 12 की पावर 133 को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। तो ऊपर मैंने वो क्या आंसर बताया, अगर पावर विषम रहेगी, ठीक है, अगर पावर विषम रहेगी तो उससे क्या करना आपको, पावर को एक आपको बना लेना है, ठीक है। पावर को क्या करना आपको, एक आपको बना लेना है। तो करना क्या, आप यहां से लिख लिए, अगर आप 17 की पावर एक करेंगे तो कितना मिले आपको, 17 ही तो मिलेगा। अगर आप 12 की पावर कितना कर लेंगे, एक करेंगे तो कितना मिले आपको, 12 ही मिलेगा। अब करना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ लिए, इन दोनों क्या करना आपको, आपस में जोड़ना है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने मिले आपको, 29 मिलेगा। कितना मिले आपको, 29 मिलेगा। अब इसके बाद आपको ये चेक करना कि 29 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, 29 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ पहले ऑप्शन से क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, पहले ही ऑप्शन से ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। आप बता सकते हैं पहले ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब इन सभी संख्याओं को प्रसार करके आपस में जोड़ेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या किससे हर हाल में कट जाएगी, 29 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17 को पूर्णतया भाग दिया जा सकता है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। अगर इन सभी को प्रसार करके जब आपस में घटाएंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या किससे कटेगी, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो क्या करें, जो ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सेम उससे कॉन्सेप्ट हम लोग इसको सॉल्व करें। ऊपर मैंने वो क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर पावर क्या रहे विषम रहे, अगर पावर क्या रहे विषम रहे, इसके लिए हमको करना क्या, पावर को क्या करना, एक बना लेना। तो यहां से क्या करें, 48 की पावर एक बना लेंगे तो कितने लोग को, 48 तो मिलेगा। 48 की पावर एक करेंगे तो कितने लोग को, 48 मिलेगा। यहां से क्या करना, 7 की पावर क्या करना, आपको एक करना, कितना मिले आपको, 7 ही तो मिलेगा। अब करना क्या, अब करना क्या, इसके बाद इन दोनों को क्या करें, आप घटा लीजिए। अब इन दोनों क्या करना, आपको घटा लेना है। अगर आप इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 41, कितना मिल जाएगा, 41 आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये चेक करना कि 41 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ पहले ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आप बता सकते हैं कि जब इन सभी संख्याओं को प्रसार करके आपस में घटाएंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या किससे हर हाल में कट जाएगी, 41 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर ये पावर सम हो तो क्या करेंगे। ये तो ट्रिक मैंने आपको स्पेशल जब पावर के विषम हो तो उसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। जब पावर के विषम हो तब के लिए अप्लाई होगा। अगर ये पावर सम हो तो क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन मेरा यही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, अब यहाँ पे देखिए पावर क्या सम है। जैसे यहाँ पे 7 की पावर 12 है और 4 की पावर कितना, 12।
कि संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित, इसको सुनिए पूछे। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या विषम नहीं है, पावर क्या है सम है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बताऊँ। उससे पहले आपको एक फार्मूला बता देना चाहता हूँ। फार्मूला आपका यही है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पता है। इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक बार इनको ऐड कर लेते हैं और एक बार इनको आपस में क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। इसका फार्मूला आपका यही हो सकता है, ठीक है। एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं ये इसका क्या है गुणनखंड है कि नहीं, ये इसका क्या है गुणनखंड है। आप ये भी तो बोल सकते हैं इसके गुणनखंड है कि नहीं, इसकी गुणनखंड ये क्या है, इसके गुणनखंड। तो इससे कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कंपेयर किया इतिहास देखिए इस रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस रूप में आपको दिख रहा है, पावर भी दोनों के सेम है और इस रूप में दिख रहा है। तो करना है क्या, इन दोनों को क्या करना है आपको एक बार जोड़ना है और इन दोनों को क्या करना है एक बार घटाना है। हम यहां से कर रहे हैं, अगर आप दोनों को जोड़े इतिहास सात प्लस कितना हो गया चार हो गया, इतना क्लियर है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सात माइनस कितना हो जाएगा चार हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा ग्यारह मिल जाएगा और यहां से कितना मिला आपको तीन मिलेगा। अब करना है कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए, अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा तैंतीस मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि तैंतीस किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, तैंतीस किस ऑप्शन से डिवाइड होगा। मैं देख रहा हूँ तैंतीस जो किससे डिवाइड होगा, डी ऑप्शन से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा तैंतीस, डी ऑप्शन से डिवाइड होगा, मीन तैंतीस से ही डिवाइड होगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि जब इन सभी संख्याओं को प्रसार करेंगे, प्रसार करके आपस में घटाएंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या किससे हर हाल में डिवाइड हो जाएगी, तैंतीस से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसमें करना क्या है एक बार आपको फिर से बता दो, ठीक है। इसको हम क्या करें इस आधार पे करेंगे, इस फॉर्मूले के आधार पे इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा कि अक्का एक सार गुणनखंड है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दोबारा मिले इसमें करना क्या है आपको तरीका बता रहा हूँ। पूछा क्या इसमें और इसमें, यानी कि इसमें और इसमें क्या सार गुणनखंड है, मिस क्या कॉमन है, इसमें आपसे यही पूछा। तो कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बताऊं, ठीक है। करना क्या आपको इन दोनों को ऐड कर लीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने मिलेगा आपको बयालीस मिलेगा, कितना मिलेगा आपको बयालीस मिलेगा। करना है कि इन दोनों को भी आप यहां से जोड़ लीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको फोर्टी टू मिलेगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा फोर्टी टू दोनों में आपको मिलेगा, अर्थात आप बता सकते कि इनका सार गुणनखंड कितना हो जाएगा फोर्टी टू, कितना हो जाएगा सार गुणनखंड 42 हो जाएगा। आप यहां से लिख लिए कितना हो जाएगा 42, ये इसका क्या गया आंसर है, ठीक है। इसमें करना है कि इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, यहाँ पे देखिए क्या दोनों में मिला, मैं देख रहा हूँ बैलेंस बैलेंस मिल रहा है। आप बता सकते हैं कि इनका सार गुणनखंड कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। इसमें देखिए क्या कहा गया, इस तरह से दे दिया गया और इस तरह से दे दिया गया। पूछा कि अक्का एक सार गुणनखंड है, जो ऊपर मैंने वो क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। ऊपर जो मैंने वो क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना रहा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए इसका आंसर कितना रहा, ठीक है।